नटखट छात्र ने मुझको एसएमएस भेजा कि सर फ्राई हो गया है भेजा। समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना याद होता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूब कर मर जाते हैं। तो मैंने भी उसको रिप्लाई लिखा कि मुझे तो कोई चुल्लू भर पानी में डूबता नहीं दिखा। गिलास भर नंबरों के लिए हमारे सामने गिड़गिड़ाते हो, बाल्टी भर अपमान पी जाते हो, नदी भर बेशर्मी दिखाते हो और क्लास से बाहर निकलकर समंदर जितने ठहाके लगाते हो। तो मैंने अपना मैसेज कर दिया सेंड और अपने साथी से बोला, फ्रेंड ये चुल्लू वाला तो खैर हमें उल्लू बनाता है, पर अफसोस उसका होता है जो आजकल एक विषाद में, अवसाद में, डिप्रेशन में आकर अपने प्राण गवाता है। माता पिता करते हैं जरूरत से ज्यादा उम्मीद, बच्चे हो जाते हैं उसी में शहीद। मेरे साथियों, उनकी मानसिकता पर आप भी कुछ ध्यान दो ताकि ऐसा हरगिज ना हो, हरगिज ना हो, हरगिज हरगिज ना हो। तो प्रस्तुत है इसी विषय पर आधारित भविष्य के सितारे नामक एक लघु नाटक, जिसका लेखन व निर्देशन हमारी पाठशाला के हिंदी अध्यापक सुनील कुमार जी ने किया है। वह इसके किरदार निभाए हैं सुशील सेठ, मोनिका हांडा, डॉक्टर रोहित शर्मा, निशा शर्मा और अनुपमा कपूर जी ने। तो आइए देखते हैं नाटक भविष्य के सितारे। बुलंदियों को छूते हैं सितारे आसमां में जगमगा के, कोमल पंखड़ियों से कल्पना के धरोंदे जमी पे बना के। इन सितारों के जगमग होने से ही जगमग है संसार सारा, संभाल के रखना इन्हें ये सितारे जमी के। माता पिता के सपने अपने बच्चों के साथ जुड़े होते हैं। जो उनके जीवन में कमियां रह गई होती हैं, वो अक्सर ये प्रयत्न करते हैं कि हमारे बच्चों के जीवन में वो कमियां ना रहें। इसलिए कई बार वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उनकी सोच से परे होता है। कुछ इसी प्रकार की व्यथा को चित्रित करती है हमारी यह लघु नाटिका, जिसका शीर्षक है भविष्य के सितारे। तो लीजिए, प्रस्तुत है हमारा ये छोटा सा प्रयास। रोहित बेटा, रोहित रोहित बेटा, तू ये क्या कर रहा है? फिर से ड्राइंग? तुझे पता है ना, तेरे पापा तुझे डॉक्टर बनाने के लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं। तभी तो 11वीं कक्षा में तुमसे साइंस रखवाई है और तू पढ़ने के स्थान पर ये सब। माँ, मेरा साइंस पढ़ने में जी नहीं लगता, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, पापा भी ना। देख बेटा, तेरे पापा ने उम्र देखी है, वो जो भी तेरे लिए सोचते होंगे अच्छा ही सोचते हैं। पर मम्मा, मैं आर्ट्स में भी तो कुछ कर सकता हूँ, लेकिन पापा सुनते ही नहीं, नहीं पल्ले पड़ती मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, मैं क्या करूँ? अच्छा, अब ज्यादा मत बोल, तेरे पापा आते ही होंगे, सुन लिया तो तेरी खैर नहीं। अरे माँ बेटे में क्या गुजर गुजर हो रही है? जी आ गए आप, पानी लेकर आती हूँ। बेटा गुड, पढ़ाई कर रहे हो? जी पापा। आज का काम पूरा कर लिया ना तूने? जी। दिखा अपनी कॉपी। पापा वो, अरे ये क्या, ये सब क्या बना रखा है? अच्छा तो बेटा, मेरे जाने के बाद ड्राइंग ही करता रहता है? और ये कविताएं कब से लिखनी शुरू कर दी तूने? तो सुधरेगा नहीं ना, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। चल अपने टेस्ट दिखा। क्या है, क्या है सब? अरे बस भी कीजिए ना, आते ही बच्चे पे टूट पड़ते हैं, थोड़ी सांस तो ले लीजिए। तुम ना चुप ही रहा करो, घर में होकर जरा भी ध्यान नहीं देती, तुम्हारा ही बिगाड़ा है ये। वो देखा पड़ोस में चंद्रप्रकाश का जो लड़का है ना, वो कितना पढ़ने में होशियार है। जाने भी दीजिए ना, आखिर हमारा बेटा किसी से कम थोड़े, तभी तो 10वीं कक्षा में अच्छे अंकों से पास हुआ है। हाँ हाँ, 90% नंबर ही लिए है ना।
चंद्रप्रकाश के बेटे के 97% नंबर हैं और साइंस में तो उसके पूरे नंबर हैं, और ये साइंस में तो मुश्किल से पास हुआ है 50 नंबर लेकर। जाने भी दीजिए ना। जाने दूं? अब की बार अगर इसके कम नंबर आए ना, अपने ही हाथों गला खोल दूंगा इसका। चला पढ़ाई कर, थोड़ी देर बाद देखूंगा कितना याद किया है तूने। माँ, मुझसे नहीं होता ये सब। पापा जब देखो बोलते ही रहते हैं। कहा था मैंने आपसे, मैं साइंस नहीं रखूंगा, आर्ट्स पढ़ूंगा। कॉमर्स भी रख देता तो कोशिश करता, लेकिन आपने पापा से कहा ही नहीं। नहीं पल्ले पड़ती मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, मैं क्या करूं? बेटा, तेरे पापा का सपना है तुझे डॉक्टर बनाने का। बहुत सोचते हैं तेरे लिए। कोशिश करो, सब समझ आ जाएगा। अच्छा, तो तुम पढ़ाई करो, मैं डिनर तैयार करती हूँ। अरे रोहित, तुम यहाँ परेशान हो? क्लास में भी आजकल तुम्हारा ध्यान नहीं होता, क्या बात है मुझे बताओ। कुछ नहीं मैम, मैं ठीक हूँ, बस यूं ही मन थोड़ा अपसेट है। अपसेट? अरे तुम्हारे जैसे बच्चे तो मस्त रहते हैं। कोई तो बात है बेटा, मुझसे डिस्कस करो। कुछ नहीं मैम, मैं ठीक हूँ। अच्छा नहीं बताना, कोई बात नहीं, छुट्टी हो गई है, घर जाओ। जी मैम। अरे कैसी हैं आप? अरे वंशिका, आप कैसे हैं? कल छुट्टी पर थी आप? हाँ, कुछ जरूरी काम था, पर मुझे आप कुछ गहरी सोच में लग रही हैं। हाँ, मैं रोहित के बारे में सोच रही थी। कितना चंचल था ये बच्चा जब 10वीं में आया था। नाटक हो, डिबेट, डेक्लेमेशन या गाना, हर जगह आगे रहता था। और ड्राइंग कितनी अच्छी करता था, पर जब से ये प्लस वन में आया है, इसे पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो उनसे बहुत डरता है। ओ, तब तो हमें इसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि। हाँ, मुझे लगता है इस बारे में हम कल बात करेंगे, अभी समय भी हो रहा है। अभी मुझे बाजार भी जाना है, तुम भी मुझे बाजार में मिलना। ठीक है। आ गए स्कूल से? जी पापा। आज तेरा टेस्ट था ना, दिखा कितने नंबर आए हैं। वो क्या दिखा? अरे 20 में से 7। हे राम, इस बच्चे को मैं कैसे समझाऊं? नालायक कहीं का, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, तुझे तो मैं। अरे बस भी कीजिए ना, अभी बच्चा स्कूल से आया है और आते ही आप। तुम चुप ही रहो, तुम्हारा ही बिगाड़ा है ये। वो देखा पड़ोस में और भी बच्चे हैं, टेस्ट में कितने अच्छे नंबर लाते हैं। अभी चंद्रप्रकाश मुझसे मिला था, वो कह रहा था कि उसके बेटे के 20 में से 20 नंबर आए हैं आज, और इसके साथ, हे भगवान, यही हाल रहा तो कैसे बनेगा ये डॉक्टर? नहीं बनना है मुझे डॉक्टर। क्या कहा? बच्चा जवान हो रहा है जी, और आपका इस तरह से पेश आना ठीक नहीं, कहीं कुछ। यहाँ भी जाए मेरी भला से। हे भगवान, इतने कम नंबर लड़ाई कहीं का, इससे अच्छा तो तू मेरा बेटा ही नहीं होता, इससे अच्छा तो तू मेरा बेटा ही नहीं होता, मेरा बेटा ही नहीं होता। क्या बात है बेटा? क्या बात, क्या हुआ रोहित? क्या परेशान हो गई है, तुम अभी तक यहीं पर हो? हमें बताओ बेटा, क्या बात है? क्या हुआ रोहित, क्या बात है बेटे? इस प्रकार मनीषा और वंशिका के बार बार पूछने पर रोहित अपने घर का सारा वृतांत सुना देता है, और दोनों अध्यापिकाएं उसे सांत्वना देते हुए विश्वास दिलाती है कि कल सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम घर जाओ और घर में किसी से कुछ नहीं कहना, पापा या मम्मी डांटे या थप्पड़ भी लगा दे कुछ मत कहना, बस चुपचाप सो जाना और सुबह स्कूल आ जाना।
प्रेम का बंधन। देखिए मिस्टर चतुर्वेदी, जो आपने अपने बच्चे के बारे में मुझसे बात की और टीचर्स ने भी उसके बारे में बताया, तो उससे मुझे एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही है कि आपका बच्चा बहुत होशियार है और उसके अपने सपने हैं जिनको वो पूरा करने के लिए अपनी तरह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना चाहता है, जो शायद आप अपने द्वारा उसको सब्जेक्ट थोपना चाहते हैं। तो मेरी तो आपको एक ही राय रहेगी कि आप कुछ समय अपने बच्चे के साथ व्यतीत करें और उसके सपनों के बारे में अगर आप बात करेंगे और उसका एम क्या होगा, किस तरह से वो अपना एम को अचीव करेगा उसके बारे में बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप उसे वही काम करने देंगे जो बच्चा चाहता है। और आज तक जितने भी हम कामयाबी हासिल की हैं वो अपने सपनों को चेज करते हुए जो बच्चा पढ़ता है, आगे अपने सब्जेक्ट लेता है, उसके द्वारा ही कर पाते हैं। किसी थोपे हुए सब्जेक्ट से बच्चा शायद उतना अच्छा ना कर पाए जितना कि वो अपनी पैशन के साथ उन सब्जेक्ट को पढ़ेगा उसे कर पाएगा। याद करो तुम अपना बचपन, कोमल सपने उजला सा मन, ये जीवन एक पहेली है भावनाओं की सहेली है, इनमें ये सपने कहीं खो ना जाए। नमस्कार, अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार, आज की मुख्य ताजा खबरों के साथ। पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के बहुत कम मरीज, पेट्रोल के दाम फिर बढ़े, लोगों में हताशा, अगले 3 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना। यूपीएस के आज घोषित परिणामों में प्रदेश के डीएवी के रहे स्टूडेंट रोहित चतुर्वेदी ने पाया देश भर में 17वां रैंक, बनेंगे आईएएस ऑफिसर। रोहित ने इसका श्रेय अपने पिता जी को दिया। चेन्नई सुपर किंग में मुंबई इंडियंस को 25 रनों से हराया। इसके साथ ही आज पापा, के बुलेटिन यहीं समाप्त होते हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज मेरी यूपीएससी की परीक्षा का परिणाम आया है और मैंने देश में 17वां स्थान हासिल किया है। वाह बेटा वाह, दिल खुश कर दिया। खुशबू मिलेगी, रंग भी चढ़ेगा, ये उपवन प्यार का उपवन है, ये बंधन प्रेम का बंधन है, इस बंधन में बंध जाए।